यदि माइंड से देखूं तो लाइट का प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही है इधर हमारे बाड़का गांव में। और आप सभी से निवेदन है कि आप भी बताएं आपके लाइट का प्रॉब्लम कितने हद तक है। मेरा लाइव आने का मेन उद्देश्य यही है कि लाइट का प्रॉब्लम कहाँ पर है और कितना है। जैसा कि अपन भाड़खा ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम तो आपको बता दूं कि संपूर्ण प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लाइट बिल्कुल आता ही नहीं है। जैसा कि आज रविंद्र सिंह जी भाटी ने बताया कि यदि 5 मिनट आ जाएगी तो फिर वापस 1 घंटे के लिए चली जाएगी। तो उसी प्रकार 5 मिनट आती है और 10 मिनट चली जाती है, या फिर 10 मिनट आती है तो वापस 2 घंटे नहीं आती है। यही है समस्या लाइट का। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, इसी सलाह मशवरे के लिए आपसे लाइव आया हूँ। तो आप सभी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी चाहे राय है वो एक बार इस कमेंट में ज़रूर डालें, ताकि कमेंट बॉक्स में जाके मैं भी ढूंढूं तो पता चले और अन्य कोई दर्शक भी आके देखे कि किस भाई ने क्या-क्या राय दी है, तो सबको पता चले। बिजली की कटौती है वो दिनों दिन ज़्यादा होती जा रही है। यहाँ पर कभी भी कॉल करके आप पूछ तो आपको एक ही बात सुनने को आएगी कि भाई 33 कटी हुई है। अब ये 33 की समस्या तो शिव में सॉल्व होगी। अपन पूछे तो अपने को जवाब यही आएगा कि शिव से 33 कटी हुई है। तो इस 33 के चक्कर में आप देख सकते हो कितने व्यापारी लोग परेशान हो रखे हैं। खेतों में बिजली है वो कनेक्शन लाइन सेम है, वो नहीं होना चाहिए। गांव का कनेक्शन है वो खेतों के कनेक्शन से अलग होना चाहिए, ताकि अपन जो कॉमर्शियल मीटर, एक मान लो घरेलू मीटर होता है, कॉमर्शियल मीटर होता है, दोनों के अलग अलग चार्जेज होते हैं। वो अलग अलग चार्जेज पे करने के बावजूद जो कॉमर्शियल मीटर धारक है, कहने का मतलब जो दुकानदार है, वो ज़्यादा चार्ज देने के बावजूद भी उसको दुकान पे लाइट नहीं मिलती है। और घर का कनेक्शन की तो बात करें ही क्या। इस बार लाइट का तो ऐसा मामला हुआ है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर। और फिलहाल जो ये बीते 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में तो आपको साथियों मैं क्या बताऊं, लाइट का इतना प्रॉब्लम आ रखा है, इतना प्रॉब्लम आ रखा है। अरे बत्तू किधर गया?